हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर बीके हेल्थ मेडिटिप्स। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपके सामने फिर हाजिर हूँ। आज हम जानेंगे डाइक्लोविन प्लस टेबलेट के बारे में। इस वीडियो में जानेंगे हम डाइक्लोविन प्लस टेबलेट के यूज, डोज, बेनिफिट और साइड इफेक्ट के बारे में। फ्रेंड, वीडियो को पूरा देखें, साथ ही इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और फ्रेंड बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और दवाइयों के बारे में नई नई जानकारियां आपको मिलता रहे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। डाइक्लोविन प्लस टेबलेट एक एलोपैथिक दवा है। इस टेबलेट को हम हरे पत्ते वाली गोलियों के नाम से भी जानते हैं। इसका इस्तेमाल बुखार, सिरदर्द के इलाज में इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा और किन किन प्रॉब्लम्स में इसका यूज किया जाता है वो आगे मैं इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले देखते हैं इसकी पैकेजिंग। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे दोस्तों, ये डाइक्लोविन प्लस टेबलेट विंग्स फार्मास्यूटिकल्स की आती है, जिसका एमआरपी है आप देख सकते हैं 22 रुपए। यानी कि ये 10 टेबलेट का जो पत्ता है ये 22 रुपए में आता है और ये आप जो देख रहे हैं ये 20 टेबलेट का पत्ता आता है, जिसको हम हरे पत्ते वाली गोलियों के नाम से भी इस टेबलेट को जानते हैं। आइए जान लेते हैं इसकी पैकेजिंग के बारे में। इसमें है फ्रेंड डाइक्लोफेनिक सोडियम 50 mg और पारासीटामोल 325 mg इसमें रहता है, जो कि विंग्स फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा ये तैयार होता है टेबलेट और ये हर मेडिकल स्टोर पे हर जगह ये अवेलेबल है टेबलेट। आप बहुत सारी बसों में भी इस टेबलेट को बेचते हुए देखते होंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं ये टेबलेट किन किन प्रॉब्लम्स में यूज किया जाता है। किसी के कमर में, पीठ में दर्द हो उसमें यूज किया जाता है, किसी के हाथ में, पैर में दर्द हो उसमें भी इसका यूज किया जाता है, किसी के घुटने में दर्द हो उसमें भी यूज किया जाता है और किसी के दांत में दर्द हो उसमें भी इस टेबलेट का यूज किया जाता है। और बहुत सारे लोग जो रनिंग करते हैं, दौड़ते हैं, उसके पैर में या मांस में खिंचाव पड़ जाते हैं जिसके कारण से उन्हें बहुत ज्यादा दर्द होता है, उसमें भी ये टेबलेट बहुत अच्छा काम करता है और दर्द को तुरंत दूर करता है। और किसी के आंख में दर्द हो या किसी के दांत में दर्द हो उसमें भी ये टेबलेट जो है बहुत ही बेहतरीन काम करता है और दर्द को तुरंत ठीक कर देता है। साथ ही ये टेबलेट किसी के सीने में दर्द हो या पिंडलियों में दर्द हो उसमें भी यूज किया जाता है। अगर किसी को चोट लग गई हो, फोड़े फुंसी के वजह से भी दर्द हो तो उसमें भी इस टेबलेट का प्रयोग किया जाता है। और ये पेन किलर दवा है, जो कि सभी पेन किलर्स में से बहुत ही बढ़िया पेन किलर टेबलेट है। आइए जान लेते हैं इसे यूज करने का तरीका। इसको दोस्तों एक एक टेबलेट सुबह शाम इस टेबलेट का प्रयोग कर सकते हैं। जिन्हें कमर में, पीठ में ज्यादा दर्द रहता हो वे इस टेबलेट का प्रयोग सुबह शाम करें और जिन्हें बुखार है, सिर में दर्द है या बदन में दर्द है वो जरूरत के मुताबिक एक या दो बार इस टेबलेट का प्रयोग करें। और दोस्तों ये टेबलेट बच्चों को भी दे सकते हैं, जिनकी उम्र 8 साल से 14 साल के बीच है वे भी इस टेबलेट का प्रयोग कर सकते हैं या उन्हें भी इस टेबलेट को आधा आधा टेबलेट सुबह शाम दे सकते हैं। और दोस्तों इस टेबलेट का प्रयोग हमेशा खाना खाने के बाद ही करना चाहिए। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। हम जो भी दवा यूज करते हैं या यूज करना चाहते हैं
उसकी पूरी जानकारी हमें होनी चाहिए और उसके साइड इफेक्ट भी हमें मालूम होने चाहिए। दोस्तों, अगर कोई सवाल हो मुझसे तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। रिप्लाई देने में देरी हो सकती है, बट मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं और इसके मुख्य जो है बेनिफिट क्या है। ये दवा मुख्य रूप से कमर में, पीठ में दर्द, घुटने में दर्द, पिंडलियों में दर्द, सीने में दर्द, दांत में दर्द, सिर में दर्द और चोट के दर्द में भी बहुत अच्छा काम करता है और इसका प्रयोग किया जाता है। आइए जान लेते हैं कुछ इसके साइड इफेक्ट। इस टेबलेट को प्रयोग करने से कई बार इचिंग या रेडनेस की प्रॉब्लम होती है या शरीर खुजलाने लगता है। इस कंडीशन में इस टेबलेट को बंद करने देना चाहिए और अपने नजदीकी डॉक्टर से मिलना चाहिए। और हाँ दोस्तों, किसी भी दवा का प्रयोग बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।